लॉकडाउन में गौतम बुद्ध नगर में पहला एनकाउंटर। हाईवे पर लूटपाट करने वाले बदमाशों से थाना दादरी पुलिस की हुई मुठभेड़। दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली। चार दिन पहले पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों से तीन मोबाइल की लूट की थी, जिसमें से दो मोबाइल किए गए बरामद। चार अन्य मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दो तमंचे, कारतूस और बाइक के अलावा 6600 रुपये बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर में एक बदमाश का नाम रविंदर और दूसरे का साहिल है। दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन कासना में किराए पर रहते हैं। दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। देखें इस बारे में क्या कहते हैं DCP आर.के. सिंह। थाना दादरी पुलिस की अभी मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, जिसमें दो बदमाशों के गोली लगी है, तमंचे बरामद हुए हैं, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दो बदमाश भागने में सफल हुए हैं, काउंटिंग की जा रही है। 28/29 की रात में इन्होंने ट्रक ड्राइवरों से पेरिफेरल रोड पे मोबाइल छीने थे, पैसे छीने थे, जिसमें तीन मोबाइल गए थे, उसमें दो मोबाइल हमारे मिल गए हैं। 6600 रुपये रिकवर हुए हैं। दो बदमाशों को भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। ये गौतम बुद्ध कमिश्नरेट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुक्त महोदय द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हम लोगों ने बदमाशों के खिलाफ एक अभियान छोड़ रखा है, इसके तहत ये कार्रवाई। दो बदमाशों को गोली भी लगी है सर? दो बदमाशों को गोली लगी है। ये बदमाश मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे किराए पर रह रहे थे और ये इस काम में संलिप्त हुए थे।